आज हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स क्विज शिशु वर्ग के सेवन्थ राउंड के बारे में जिसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेन अब एकाधिकेन मींस एक से अधिक तो इसमें देखिए इस राउंड में आपके पास टू डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे कोई भी दो डिजिट के नंबर्स उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने उसका आंसर देना है पर इसके लिए देखिए ये सूत्र प्रयोग कब होता है जब हमारे पास ऐसी संख्या है जैसे सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवन यहाँ पे देखिए सिक्स दोनों में सेम है और थ्री प्लस सेवन ये कितना है टेन तो इसका मतलब जो ये यूनिट डिजिट्स वाले नंबर हैं इकाई की संख्या इनका जो सम है वो टेन होना चाहिए और जो टेंस वाला नंबर है वो दोनों में सेम होना चाहिए तभी हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा इसके लिए देखिए हम आंसर्स दो पार्ट्स में देंगे जो हमारा राइट right पार्ट है उसमें हमने क्या करना है ये जो वंस प्लेस वाले नंबर्स हैं थ्री और सेवन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखना है तो देखिए इस तरफ आ जाएगा थ्री इंटू सेवन और लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा सिक्स और सिक्स से एक अधिक नंबर सिक्स का एक अधिक हो गया सेवन तो इधर आ जाएगा सिक्स इंटू तो देखिए हमने कितनी आसानी से अपना आंसर निकाल लिया लेफ्ट पार्ट में आपने जो नंबर है उसको और उससे एक अधिक नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और राइट right साइड में आपने ये जो हमारे पास दो नंबर हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिक्स सेवनजा फोर्टी टू थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो देखिए ये हमारा उत्तर आ गया बड़ी आसानी से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे देखिए हमने प्रश्न लिया है सेवनटी टू इंटू सेवनटी एट अब देखिए इसको भी इसी तरीके से करेंगे लेफ्ट पार्ट कैसे निकालेंगे सेवन और सेवन को किससे करेंगे मल्टीप्लाई एट से क्योंकि सेवन के बाद एक एट आता है तो इधर आ जाएगा सेवन इंटू एट सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स तो हम सीधे लिख लेते हैं फिफ्टी सिक्स और राइट right साइड में क्या आएगा टू इंटू एट टू एट जा सिक्सटीन तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइव सिक्स वन सिक्स ये हमारा आंसर आ गया अगला प्रश्न देखते हैं एटी फोर मल्टीप्लाई एट्टी सिक्स यहां भी देखिए एट दोनों तरफ सेम है और ये जो नंबर्स हैं फोर और सिक्स इनका सम कितना है टेन है तो यहां पे भी ये वाला सूत्र प्रयोग होगा अब इसका क्या आएगा आंसर देखिए एट एट इंटू नाइन तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा एट इंटू नाइन एट नाइन ज सेवेंटी टू और राइट साइड क्या आ जाएगा फोर इंटू सिक्स फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर तो देखिए हमारा आंसर आ गया सेवन टू टू फोर इसी तरह से अगला नंबर ये देख लेते हैं नाइनटी थ्री इंटू सेवन यहां पे भी देखिए नाइन दोनों तरफ सेम है और थ्री और सेवन इनका सम कितना है टेन तो इसमें भी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लेफ्ट पार्ट क्या आ जाएगा नाइन नाइन को किससे करेंगे मल्टीप्लाई इससे एक अधिक नंबर टेन के साथ तो नाइन टेन जा नाइनटी और दूसरी तरफ हमें क्या मिल जाएगा थ्री को सेवन के साथ करेंगे थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन तो ये हमारा आंसर आ गया तो इस तरह से आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सीधे आंसर देने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने इस कंपटीशन में जब जाना है तो वहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप इस राउंड को क्लियर कर सकते हैं धन्यवाद